फिल्म द केरला स्टोरी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ राज्यों में एक तरफ जहां इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है, मध्य प्रदेश में ये टैक्स फ्री भी हो गई है, तो वहीं कुछ राज्यों में इसे लेकर बवाल मचा है। बवाल को देखते हुए तमिलनाडु में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए तमिलनाडु सरकार ने रविवार 7 मई से सभी मल्टीप्लेक्स थिएटरों सिनेमाघरों में द केरला स्टोरी को नहीं दिखाने का आदेश दिया है। बता दें कि इससे पहले शनिवार 6 मई को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में इसे टैक्स फ्री कर दिया है। बता दें कि ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही दक्षिण भारत के कई राज्यों में एक तरफ जहां इस फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही थी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इस फिल्म को बैन करने की मांग की है। तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों ने फिल्म प्रदर्शित होने पर सिनेमा हॉल का घेराव करने की धमकी भी दी है। तमिलनाडु में नाम तमिलार काची ने शनिवार को चेन्नई में द केरला स्टोरी की रिलीज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। उनका दावा था कि ये फिल्म विशेष समुदाय के खिलाफ है। तमिलनाडु सरकार से उन्होंने फिल्म को बैन करने की मांग की थी। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो इस फिल्म में केरल की 32,000 लड़कियों के धर्मांतरण कराकर आतंकी संगठन ISIS में शामिल करने की कहानी बताई गई है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे महिलाओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए माइंड वॉश किया गया है। इसी को लेकर बवाल मचा है, जिसके बाद ये मामला केरल हाईकोर्ट भी पहुंचा, जहां केरल हाईकोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।